संभवतः पेशेंट को अगर किसी ने देखा है, अलका याग्निक जी जो मशहूर म्यूज़िक इंडस्ट्री बॉलीवुड की गायिका हैं, तो हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते कि उनको कौन सी बीमारी है, बट इस तरह के जो लॉस होते हैं उनको हम लोग सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। और इनका जो कारण होता है वो कई बार ऑटोइम्यून होता है, कुछ छोटी सी ब्लड सप्लाई कान की नस को चली जाए, जिसको सिंपल भाषा में हम लोग पैरालिसिस कह सकते हैं कान के नस की, और इसको हम लोग अपनी भाषा में सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहते हैं। ये आम तौर पे एक कान को इन्वॉल्व करता है, ये बड़ी अच्छी बात है और थोड़ा सा कॉमन है, ये ऐसा अनकॉमन नहीं है। ये जब हो जाता है तो इसको सबसे पहले तुरंत डॉक्टर को दिखाना होता है, क्योंकि समय इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर पहले दिन और पहले हफ्ते में हम डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं तो ठीक होने की संभावना ज़्यादा है, नहीं तो ये परमानेंट पैरालिसिस हो जाती है और एक तरीके का ये विकलांगता में आ जाता है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बहुत सिंपल से टेस्ट करते हैं, सुनने की जांचें हैं, कुछ ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह देखते हैं, और उसके बाद इसमें एक इंट्रा टिम्पैनिक ड्रग पड़ती है। इंट्रा टिम्पैनिक का मतलब होता है कान के पंद्रह पर्दे के अंदर हम लोग दूरबीन से जाते हैं लेज़र से, और उसमें छेद करके दवा डालते हैं। पेशेंट को लगभग एक घंटा रुकना होता है अस्पताल में, कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है ये, और चार या पाँच बार ये दवा डाली जाती है। इससे ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो सही समय पर सही डॉक्टर सही दवा अगर चलाते हैं तो ठीक होता है। इसके साथ एक और थेरेपी होती है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन में, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लगभग 2.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और किसी किसी शहरों में ये उपलब्ध है, इसको भी अगर बहुत जल्दी हम लोग यूज़ कर लें पहले दिन पहले हफ्ते 10 दिन के दौरान दवाओं के साथ, तो फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है। नहीं तो अगर एक बार ये हाथ से गया तो ये परमानेंट पैरालिसिस होती है। दूसरी बात जो आपने कही बिल्कुल सही है, जो तेज़ म्यूज़िक आजकल का ट्रेंड है, लोग सुनते हैं, खासकर जो ईयरफोन से सुनते हैं, इस तरह का लॉस जो है वो कई बार दोनों कान को इन्वॉल्व करता है। इसको भी हम लोग सडन सेंसरी न्यूरल लॉस कहते हैं, सडन तो नहीं। इसका भी इलाज संभव है, लेकिन सबसे पहले हमको बचाव करना है, इलाज बाद में आता है। आजकल जो मैं एक बार कहना चाहूँगा कि एक नए तरीके का डीजे आया है जो शादियों में बजता है, उसकी जो डेसिबल क्षमता है वो कहीं ज़्यादा है, और सरकार का ध्यान इस पर बिल्कुल नहीं है। कई पेशेंट हमारे पास आते हैं जो रात में आधे घंटे एक घंटे डीजे के सामने डांस कर रहे हैं या रह रहे हैं, बारात में जा रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उसमें सीटी की आवाज़ आती है, पेशेंट इरिटेबल होता है, सुनने की कमी आ जाती है। थोड़ा सा सरकार को इसको ध्यान देना है और उसके डेसिबल क्षमता पर रोक लगानी है। कान हमारा बना है 24 घंटे सुनने के लिए, हम चाहे बातचीत करें चाहे म्यूज़िक सुने, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। शरीर हमारा बहुत मजबूत होता है, बहुत रिपेयर क्षमता होती है, बहुत बर्दाश्त क्षमता होती है, बट वो म्यूज़िक दूर से होनी चाहिए और एक क्षमता के अंदर होनी चाहिए, जिसको कि हम लोग 70 80 90 डेसिबल तक का मैक्सिमम मान सकते हैं। बट जो डीजे होता है आप उम्मीद नहीं करेंगे कि वो 120 डेसिबल क्रॉस करता है, जो जेट जहाज की आवाज़ होती है उससे भी ज़्यादा, तो वो डेफिनेटली हानिकारक है। बच्चों की थोड़ी सी, हम यंग जो बच्चे हैं उनको कहना चाहेंगे, क्योंकि ईयरफोन जब आप लगाते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि कितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है। कई बार बच्चे ईयरफोन लगा के सो जाते हैं, तो वो बहुत हानिकारक है, उससे बचें। जो ना पढ़ना लिखने में ज़रूरत है वो अलाउड है, ठीक है, बट अननेसेसरी बचें।